Hello guys, good morning from Ranchi. This is day 2 और हम लोग आज जा रहे हैं रांची से नेतरहाट. कल रांची पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बच गया था 7:30, क्योंकि रांची में जो होता है ना हेवी ट्रैफिक जाम होता है. इतना मुझे अंदाजा नहीं था रांची के बारे में, हेवी ट्रैफिक जाम होता है. और रांची आते आते लास्ट 17 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट किया 2 घंटे में. तो जब हम लोग होटल पहुंचे थे सभी कोई बहुत टायर्ड था, प्लस हम लोगों ने लगेज रखा, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और रात को हम लोग सो गए 9 बजे तक. इसीलिए ब्लॉग एंड नहीं हो पाया था. और कल 9 बजे से आज बज रहा है 7:45, तो इतना टाइम मैंने सोया है, कम से कम लगभग 9-9.5 घंटे मैंने सोया है. आपको चेहरा देख के मालूम पड़ रहा हो. रांची में जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं, होटल का नाम है शल, तो यहीं पे हम लोगों ने होटल लिया था. और रूम कॉस्ट हम लोगों का आया 800 रुपीस करके, डबल बेडेड. 800 के हिसाब से रूम्स ठीक ठाक ही थे, लेकिन फूडिंग का इन लोगों के पास सुविधा नहीं है. पास में ही खाना खजाना बोल के एक होटल है, वहाँ पे जाके आप लोग खा सकते हो, रिजनेबल रेट है ना. तो रांची जो लोग आ रहे हो उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है, भैया थोड़ा जल्दी रांची में घुसने का कोशिश करो, क्योंकि शाम के बाद से रांची में जो हेवी ट्रैफिक जाम होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है. अर्ली मॉर्निंग निकलो या फिर दोपहर को रांची घुस जाओ. कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि रांची बहुत ही खूबसूरत शहर है, आसपास में बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं. तो जहाँ पे मैं अभी हूँ, जो होटल का टेरेस है, यहाँ से तो कोई पहाड़ भैया दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा शहर है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है रांची. तो मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद. नेतरहाट एवं बेतला अभयारण्य की राह में आपका स्वागत है. पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल लोहरगढ़ा, नेतरहाट 140 किलोमीटर. चलो फिर. बीच में शायद कहीं कहीं पे काम चल रहा है, तो रास्ता थोड़ा खराब है. बस पहुंचने वाले हैं नेतरहाट. ये घाट रोड स्टार्ट हो गया है,
बिल्कुल अगर आप दार्जिलिंग, कार्सियांग, कालिम्पोंग इन सब जगह पे अगर गए हो तो कुछ उसी जगह की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। आज मालूम चला कि क्यों इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बताया जाता है। नीचे घाटी है जो कि कभी कभी पेड़ों के बीच में से दिखाई दे रही है और एकदम आहिस्ते धीरे से पट्टी पट्टी करके क्रूज करते हुए जाओ। रास्ते तो काफी अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे कॉर्नरिंग करने की कोशिश मत करें। जो भी अगर मेरी वीडियो देख के अगर कोई भी आता है यहाँ पे, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कॉर्नरिंग मत करो, क्योंकि रास्ते तो बहुत ही जो है, ये रास्ते बहुत छोटे रास्ते हैं। नेतरहाट में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं। मेन रोड से थोड़ा अलग है लेकिन हम लोग सिर्फ ऑफ रोडिंग करेंगे इसलिए यहाँ पे आए। अभी 3:30 बज रहा है और फाइनली हम लोग नेतरहाट पहुंच चुके हैं। ये वाला जो है भगवती लॉज, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया है। ये गाड़ी वाड़ी सब कुछ अंदर ही है और यहाँ पे हम लोगों को 5 आदमी का सिर्फ लॉजिंग का लगा 1800 रुपये, फूडिंग अलग से है। ये जो जगह है ये भी और बाकी जितने भी हिल स्टेशन होते हैं उन्हीं की तरह है, या फिर जो भी टूरिस्ट स्पॉट है उन्हीं की तरह है लॉजिंग के हिसाब से। मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक आओगे तो एक रेट, सैटरडे या संडे को थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रेट। और फ़ोन में यहाँ पे एयरटेल तो गिव अप कर चुका है, एयरटेल तो कुछ काम नहीं आ रहा है, जस्ट जियो और BSNL का टावर लगेगा। तो अगर आते हो ये सब ध्यान में रख के। अभी हम लोग जा रहे हैं मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की तरफ। ये नेतरहाट से 9 किलोमीटर दूर है